भाई हेलो दोबारा दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ मुझे तरंग फोन तो इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल मैंने में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो देखाऊंगा एक्चुअली पूरा ही न्यू टेक्नीशियन के लिए। तब भी दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, इसका प्रॉब्लम क्या है आपको एक बार सप्लाई देख के दिखाता हूँ। आप देखिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। और देखिए ये जो ESD का पास, देखिए फटस फटस आवाज़ का साथ ये फायरिंग हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह प्रॉब्लम, ठीक है, ये कुछ टाइम चलने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ टीवी के अंदर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू देखा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये फायरिंग प्रॉब्लम बार बार होने के बाद इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है ये अधिकतर काट जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका ESD फायरिंग होगा तो ESD लीकेज होगा, तो आपको ESD चेंज करना पड़ेगा, और वायर प्रॉब्लम होगा तो वायर भी रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये कैप कैसे चेंज किया जाता है, चलिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो वायर ओपन, सॉरी, ये जो कैप है, ये कैप को ओपन करने का पहले देखिए, ये मीटर से मैं फर्स्ट आपको डिस्चार्ज काट के दिखाता हूँ। देखिए किस तरह ये होता है। ये जो दोनों पॉइंट में कॉर्ड कनेक्शन किया, कट एक कॉर्ड कनेक्शन करने के बाद ये डायरेक्ट ये एक साथ दो कॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास अलग वायर है तो आप वहाँ से डिस्चार्ज काट सकते हो नेगेटिव के साथ, वो कैप का जो अंदर पॉइंट है वो फ्लैशिंग करके। तो मैं मीटर लेके इस तरह काटता हूँ। देखिए ये जो पिक्चर ट्यूब का चारों स्क्रूप का पॉइंट है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये पॉइंट मैं नेगेटिव के साथ रख दिया, और ये पॉइंट ये कैप का अंदर, जो पिक्चर ट्यूब का अंदर छेद होता है उसका अंदर टच करने के बाद इसका जो पिक्चर ट्यूब के अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इस तरह डिस्चार्ज नहीं करेगा और कैप को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद आपको बहुत झटका देगा, इतना झटका देगा कि आप टीवी का काम छोड़ देगा। तो दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि ये बहुत टेक्नीशियन आपका हिसाब से डिस्चार्ज करता है, और अब घर पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो आप इस तरह कर सकते हो। कुछ भी तातल, आयरन, शोल्डर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको देखा था, देखिए ये जो पिक्चर ट्यूब का साइड, ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, ये स्प्रिंग वाला वायर है, ये पर कनेक्शन करके आप इस तरह डिस्चार्ज कर सकते हो। डिस्चार्ज मतलब ये पॉइंट जो ESD फाइनल एनोड का पिन के साथ टच करेगा तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों ये कैप इतना टाइट नहीं होता है, लेकिन ये जो पिक्चर ट्यूब के ऊपर इनामेल होता है, इनामेल न्यू वो जो लगाया, लगाने के बाद साथ साथ ये कैप लगाने के बाद इस तरह टाइट हो जाता है। एक्चुअली ये जो इनामेल, ये सूखना होने के बाद, लगाने के बाद वो अच्छे तरीका होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके अंदर जो सल्फर, देखिए बहुत धूल मिट्टी जो होता है ये आपको बहुत अच्छा करके क्लियर करना पड़ेगा। तो कपड़ा लेके आपको इस तरह क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाता हूँ, आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा, और आपका थोड़ा सा नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आप घर पर यह प्रॉब्लम को रिपेयर खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिए, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैं साफ किया कपड़ा लेके, और आपका घर पर तो केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, थिनर भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो कुछ है वो लेके भी आप इस तरह साफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। और दोस्तों मेरा पास ये पेस्ट है, ये सोल्डरिंग करने का पेस्ट, आप ये लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तब भी मैं ये थोड़ा सा पेस्ट लेके यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद उसका ऊपर जो जो क्या बताऊँगा, जो सल्फर और जो डस्ट होता है ये भी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरह काटता हूँ, अब देखिए। और ये लगाने के बाद, अच्छा करके लगाने के बाद थोड़ा सा आपको दोबारा कपड़ा लेके ये पॉइंट को साफ करना पड़ेगा। तो मैं भी साफ कर देगा, आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक्चुअली तो इस तरह जो प्रॉब्लम होता है ये बारिश का समय, ठीक है, जो जो डैम प्रॉब्लम, इस तरह डैम प्रॉब्लम का वजह इस तरह प्रॉब्लम अधिक देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये मैं अच्छा करके साफ किया, और साफ करने के बाद आपको जो देखाऊंगा ESD कैप कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, आपको अच्छा करके ये पूरा ऊपर साइड साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साफ किया, और दोस्तों देखिए जो ESD कैप है और कैप का साथ ये जो वायर है, वायर का अंदर आप देखिए कितना काला काला हो गया, ये भी साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये वायर कुछ दिन का बाद भी सॉरी डैम्प हो सकता है और लीकेज भी हो सकता है।
तो दोस्तों ये वायर लीकेज होगा तो लीकेज का ऊपर टेप करेगा तो वो नहीं टिकेगा, ठीक है। वो वायर को पूरा ही काट करके अच्छा करके सोल्डरिंग करके और उसका आप क्या बताऊंगा फेवी बॉन्ड लगा के आप कैप को लीकेज प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। और ESG का बॉडी के अंदर लीकेज होगा तो वो किसी भी तरीका से वो आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो ESG को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए ये सब कुछ आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। और ESG को मैं थोड़ा सा क्यों साफ करता हूँ कि डैम का बजाय ESG भी लीकेज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ESG को साफ कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं कैप कैसे चेंज किया जाता है आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो कैप होता है ये मार्केट पर अवेलेबल है, ठीक है। सॉरी, ये कैप ऊपर पॉइंट से भी लीक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका तो वायर ओके है, सिर्फ ये कैप लीक है, तो इसलिए कैप को आप इस तरह काट कर दीजिए, ठीक है। काट करने का बाद एक न्यू कैप आपको लगाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत कुछ न्यू कैप है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये मार्केट से अवेलेबल मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स का जो शॉप होता है शॉप से ये मिल जाता है, ठीक है। ये पैकेट के अंदर भी देखा जाता है, ये ओपन भी देखा जाता है, ठीक है। तो मैं इस तरह कैप लेके आया। और दोस्तों देखिए ये कैप के अंदर एक क्लिप देखा जाता है, ठीक है। तो ये पुराना वाला मैं साइड कर देता हूँ और न्यू कैप मैं इस तरह लगाऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही टाइट कैप है, ठीक है। तो इसलिए क्या मैं करता हूँ, देखिए दोस्तों ये पेस्ट है, एक्चुअली ग्रीस जैसा इस तरह काम करता है, लेकिन अब मत ग्रीस लगाइए, ठीक है। ग्रीस का काम अलग होता है। और दोस्तों देखिए मैं इस तरह पेस्ट लेके मैं जो लगा देता हूँ, देखिए अब वेसलिन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह वेसलिन काम करेगा। तो दोस्तों और उसका बाद दूसरा कुछ यहाँ पर मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत जो टाइप माजन जैसा अब लगाएगा तो इतना फायरिंग देगा और आप डर जाएगा, ठीक है। इस तरह आप ये पॉइंट पर ओनली वेसलिन और पेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और देखिए ये और को मैं इस तरह ओपन किया, ठीक है। और ओपन करने के बाद देखिए आपके पास प्लास है तो प्लास लेके ये आप थोड़ा सा लॉन्ग ये बाहर काट सकते हो, ठीक है। आपको इस तरह बाहर काटने के बाद देखिए मैं किस तरह काटता हूँ। ये वायर का दो लेयर होता है, दो कवर होता है, ठीक है। ये दो कॉयर को आपको इस तरह काट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट बात है कि आपके पास ताताल जो शोल्डर आयरन होता है और रंग भी कुछ भी नहीं है, तो तब भी आप घर पर ये काट सकते हो। देखिए यहाँ पर जो पिन मिलता है, ये देखिए ये साइड का एक छोटा सा पिन का अंदर ये जो देखा जाता है ये आपको अंदर ही लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए इस तरह लगाने का बाद बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है। और ये जो वायर आप इस तरह करके और यहाँ पर आप टाइट कर सकते हो, कुछ भी सोल्डरिंग करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो तब भी मेरे पास सोल्डर आयरन है तो इसलिए मैं ये सोल्डरिंग काट देता हूँ, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग करने का बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा, वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं एक्चुअली ये नॉर्मल सा फॉल्ट है, तो इसके ऊपर मेरे चैनल पर बहुत मेरे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में बहुत वीडियो है, लेकिन इसके ऊपर मेरे चैनल पर कुछ भी वीडियो नहीं है, ठीक है। और चलिए ये तो मैं कप इस तरह टाइट कर दिया, आप देख सकते हो इतना अच्छा से ये टाइट हो गया, ठीक है। और चलिए प्रैक्टिकली किस तरह ये पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाया जाता है आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं एक हाथ से मोबाइल लेके कैमरा करता हूँ, देखिए और एक हाथ से मैं लगाता हूँ। इस तरह आप ये कैप को फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद एक पिन को फर्स्ट अंदर, देखिए मैं दिखाता हूँ दोबारा, अंदर इस तरह करके थोड़ा सा प्रेशर देके दूसरा पॉइंट का बिस तरह कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये अच्छा तरह से कनेक्शन पिक्चर ट्यूब के साथ हो गया है कि नहीं, नहीं तो बाहर आएगा तो पिक्चर ट्यूब का सप्लाई देने के बाद वो फायरिंग होगा और आउटपुट ट्रांजिस्टर साथ साथ काट जाएगा और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ पहले जिस तरह फायरिंग प्रॉब्लम था वो आता है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों देखिए इसका फायरिंग प्रॉब्लम अभी नहीं हुआ है, तो चलिए लगता है कि इसका डिस्प्ले ओके आ जाएगा, टीवी ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये टीवी ऑन हो गया है और फायरिंग भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्या करना पड़ेगा उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आपको बात है मेरा वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज मिल जाता है। देखिए इसका जो योक कॉयल है, योक कॉयल का अंदर एक लाल वाला कॉयल देखा जाता है। देखिए एक्चुअली ये कॉयल मॉडिफाई करके
इसका ऊपर देखिए ये जो लगाया एक्चुअली इसका काम क्या है। एक्चुअली ये पिक्चर का दोनों साइड का साइज होता है वो एडजस्ट करने के लिए ये कॉइल आप खुद हाथ से ये वाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो देख के दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों देखिए मैं वीडियो दे दिया, ठीक है, और इसका वीडियो बिल्कुल ओके आ गया और इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। दोस्तों इस तरह आप वीडियो देखना चाहता हो तो और क्वालिटी वाला वीडियो देखना चाहता हो तो आप जरूर चैनल का वीडियो लिस्ट चेक कीजिए, चैनल का प्ले लिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। वो प्ले लिस्ट कैसे चेक किया जाता है इसका ऊपर आपका नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो का लास्ट में ऊपर साइड में जो वीडियो दे देता हूँ वो वीडियो क्लिक करके एक बार देख लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि उसके अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है, टेलीग्राम चैनल लिंक देख के रखा है, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर आके आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और क्या बताऊँगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू देता हूँ।